नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको एक खास चीज बताने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैनल भजनू का चैनल है, लेकिन इसी चैनल में आपको एक बहुत ही खास यहाँ पे फंक्शन होता है, उसकी जानकारी आपको देंगे। पे एक फंक्शन होने जा रहा है जिसको हम कहते हैं गुसंतन, जो हमारा बहुत ही पुरातन है। तो इसमें क्या होता है, क्या चीज होती है, क्या खाने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें एक खास पदार्थ है, बगनी तैयार की जाती है। इसको कैसे तैयार करते हैं, आइए हम पूछते हैं भाई साहब से कि ये बताएंगे कि इसको यहाँ जो ये तैयार कर रहे हैं, ये तैयार कैसे होता है, कौन सा अनाज इसमें पड़ता है, बताइए आप। ये तो पहले जो बगनी बनती है ना, इसको शुरुआत में क्या करते हैं कि कनक किलो, 2 किलो 3 किलो तक जी इसको जमाया जाता है किसी बर्तन में। इसको साफ करके धो के इसको जमाया जाता है। जब ये जम जाती है, जम जाने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखा के फिर बड़े अच्छे से ढंग से, किसी की परछावा नहीं पड़नी चाहिए, कोई चीज इसके ऊपर बैठनी चाहिए। अच्छा, जहां ये रखते हैं वहां किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ऊपर वहां आदमी बैठना चाहिए कि छाया ना पड़े। तो जब वो अंगूर पैदा हो जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है इसको। 2-3 दिन सुखाया, दो दिन में सूख जाता है जी। फिर इसको कोदरा होता है, कोदरे का आटा पीसना है, फिर इसको भी पीसना है। इसको बोलते हैं गोदवार। ये बहुत भगवान का जग है, बहुत बढ़िया जग है। तो यही ये पीस कर फिर पानी सकले में डाल के पूरा भर के सकला डालना है, और उसको आपके साथ पूरा तैयार करना है। जब वो इतना रह जाता है सकले में, कम से कम पौना फुट पानी रहता है, तो तब वो वहां से उठाया जाता है। उसमें फिर वो कोदरे का आटा डाला जाता है, और उसको किसी डो से मिक्स किया जाता है, पूरे मिक्स करके। जब मिक्स किया उसको, तो जो कनक का अब 3 बर्तन है, अब जैसे 40 किलो है कोदरा, तो 3 किलो है कनक का आटा। तो वो क्या किया जाता है कि उसको तजर्बे अपने अपने हैं, उसको 3 पार्ट में करना है। उसको कनक का जो आटा है उसको 3 पार्ट करना है। 3 पार्ट करके उसको पानी में घोल के बिल्कुल एक जान करके वो उसमें सकले में डाला जाता है। फिर उसको भी मिक्स करना है, मिक्स करके उसको प्रेन करके अच्छी तरीके से फिर वो ढक देना है, और उसको धूप बत्ती लगा के भगवान से माफी मांगनी है कि हे भगवान, तो ही इसका मेरी बात है, और तू ही इसमें बैठा था। जी जी, तो अभी देखिए ये इनको तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो आप इनको इसको बताएं कि इस वक्त ये मिक्स कर रहे हैं जी, तो शाम को मिक्स करके फिर वो रात को रहता है वो कमरे में, ठीक है जी। उसको गर्म्याज में रहती है, और गर्म्याज में वो उसका मिखीर बन जाता है। किसका? उस बगनी का, उसका आटे का, और गंदक का जो होता है उसका मिखीर बन जाता है। फिर उसको छोड़ा जाता है, हाथ से ब्रीक कर दिया जाता है, उसको छाना नीचे रखे, उसको ब्रीक किया जाता है। ब्रीक करके फिर उसमें पानी डाला जाता है, और कुछ नहीं डालना, पानी इतना डालना है कि वो बिल्कुल धार बन जाए, मतलब घनी बन जाएगा। फिर उसको पानी डालना है थाली में, उसको देखना है कि पतली ना हो जाए या ज्यादा घनी ना हो जाए, मतलब ऐसे रखने के पीने के काबिल है। तो जब वो तैयार की, बस इतना ही इसका। ठीक है, अच्छा, ये एक मिट्टी का बर्तन है और 3 पीतल के हैं जी जी, तो इतने ही रखे जाते हैं, इसके पीछे भी कोई कारण? हाँ, मिट्टी का जरूर होना चाहिए। मिट्टी का बर्तन जो है इस कार्य में, इस यज्ञ में मिट्टी का बर्तन जरूरी होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन के बगैर ये कार्य, ये जो है अपना यज्ञ पूरा नहीं होता जी। तो ये देखिए, ये तैयार हो रही है बगनी, और ये बगनी ऐसी होती है कि इसमें एक्चुअली मिठास पैदा हो जाती है, जैसे खांड डाली होती है। ये कुदरती परमात्मा की ऐसी कोई मेहरबानी है कि इसमें खांड से भी ज्यादा मिट्टी होती है। तो ये इस नवेद को तैयार करने का एक प्रोसेस है, और इसमें कोई चीनी नहीं डाली जाती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इसमें मिठास नेचुरली ही पैदा हो जाती है। तो इसके आगे का भाग शाम को बताएंगे, जब भुराई आएगा तो और भी इसकी, इस गुसंतन की जानकारियां हम आपको बताएंगे, और आप जरूर इसको देखें। और ये क्या चीज है, ये हमारा सांस्कृतिक वो यज्ञ है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग भी दिया करते थे, आज भी किसी किसी घर में इसे इस यज्ञ को किया जाता है। और नमस्कार साथियों, तो आज हम आपको एक खास प्रकार के यज्ञ की जानकारी देने जा रहे हैं, और ये यज्ञ है जिसको हम अपनी भाषा में गुसंतन बोलते हैं। तो इस गुसंतन को संपन्न जो करवाता है, जैसे यज्ञ को करवाने वाले को पुरोहित बोलते हैं, और इसे करवाने वाले को हम अपनी भाषा में घुराई बोलते हैं। तो ये जो गुसंतन है, इसकी जानकारी हमारे बुजुर्गों को है, लेकिन आज के नौजवान लोगों को बहुत कम है जानकारी इसकी। तो आइए हम इस गुसंतन की खास जानकारी इन्हीं से, जो कि ये घुराई है, जिनका नाम है जोड़ सिंह जी, तो आइए हम इसकी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। आप हमको बताएं कि ये गुसंतन कब से चला आ रहा है? ये चला है सब रूप से, चला पहले चला था कबीर भक्त से, फिर चला है ये बंदी से, फिर उसके बाद हमारे पास आया ये संयोग का चल रहा है, तो ये कल युग तक चलता ही रहेगा, ये बात है। तो इस गुसंतन में जो आप इसमें भजन के रूप में बोलते हैं, तो उसके जो बोल हैं वो कितनी देर आप करते हैं?
4 घंटे लगे जाते हैं। 4 घंटे तक? अच्छा 4 घंटे तक। क्या योग जी? 4 घंटे सुनाने हैं? 4 घंटे तक? चार घंटे लगे। तो 4 घंटे जो इसमें ये लगाते हैं, ये 4 घंटे 4 युगों को बताते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो प्रसाद होता है वो क्या क्या बनता है? प्रसाद इसमें यही बनता है, ये घूमने सिरा बनती है, ये बगनी बनती है, यही बनता है, सत्तू बनते हैं, ये चीज़ें बनती है। और सादा है ये, इसके लिए सादा ये क्यों भी कर सकता है। हाँ तो देखिए, इसमें एक तो खास प्रकार से बगनी बनती है जिसकी हमने पहले भी जानकारी दी, और इसमें सत्तू भी होता है, और साथ में मक्की की रोटी खासकर बनती है, और यही इसका एक प्रसाद रूप में सभी बड़ी श्रद्धा से इसको लेते हैं, और यही एक रिवाज है, और ये पुराने बुजुर्गों से चली आ रही है, और बड़ी श्रद्धा से लोग इसको करते हैं और सुनते हैं जी। ऐसा ही है? ऐसा ऐसा। हाँ तो अभी इनके साथ ही जब ये अपना वो कीर्तन करते हैं, तो साथ ही इनकी एक खास प्रकार से एक इनकी वीणा है, वीणा को भी साथ साथ बजाते हैं। तो इस वक्त जो वीणा है वहाँ पे रखी हुई है, मैं बताऊंगा कि ये जो सफेद कपड़ा है इसके अंदर वीणा को बड़ी श्रद्धापूर्वक रखा हुआ है। तो कीर्तन करते हुए उस वीणा को भी ये बजाते हैं, और इसके साथ ही आप वहाँ देखेंगे कि 4 पात्र में ये बगनी रखी गई है। ये खास चीज़ है, और विशेष प्रकार से बड़ी श्रद्धापूर्वक इसको तैयार किया जाता है, और पूरी रात भर ये फंक्शन चलता है, और जब ये पूरा इनका ये प्रोग्राम संपन्न होता है उसके बाद ही प्रसाद सभी को वितरण किया जाता है। और ये हमारे गाँव में हमारे बुजुर्ग करते हैं, पहले ये चला आता था, और कुछ लोग ये जो फंक्शन है ये 4 साल के बाद करते हैं, कुछ 3 साल के बाद करते, कुछ लोग 3 साल के बाद भी करते हैं, कुछ 6 साल भी करते हैं, तो 1 साल के बाद भी कुछ लोग ये करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा फंक्शन। तो आज हमारे भाई साहब श्री प्रेम सिंह जी ने इसे संपन्न करवाया है, तो ये भी इनकी इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा ये मानना है कि ये हमारा एक संस्कृति है, हमारा ये कल्चर है, तो अपने कल्चर के साथ हमें जुड़े रहना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सांस्कृतिक हमारे फंक्शन हैं, वक्त के साथ साथ हम उनकी भी जानकारियां देते रहेंगे। आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर आप हमें बताएं, और आज का इतना ही, धन्यवाद।